नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सारा इंडिया परिवार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपको सारा इंडिया की हर एक जानकारी प्राप्त हो सके। जिसमें आज की यह अपडेट आई है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के द्वारा। पलामू के मेदिनीनगर में रेडमा बाईपास रोड स्थित सारा इंडिया से, जहाँ सारा इंडिया के फ्रेंचाइजी ऑफिस में रविवार सुबह 5 बजे आग लग गई। इसमें ऑफिस के फर्नीचर, कंप्यूटर और कागजात वगैरह जलकर नष्ट हो गए, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 5 बजे ऑफिस से धुआं निकलते हुए मकान मालिक ने देखा। इसके बाद ऑफिस के फ्रेंचाइजी मैनेजर जो कि अनिल अग्रवाल को सूचना दी गई, जिसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडर को फोन किया गया। खबर पाकर पहुंची फायर ब्रिगेडर की 2 गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। राधा रमन रोड स्थित जस्सी मोटर्स के समीप एक 2 मंजिल इमारत में सारा इंडिया का कार्यालय संचालित है। रविवार को छुट्टी होने के कारण कार्यालय बंद था। अचानक तेज आग की लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों ने आग को देखा तो भीड़ जमा हो गई। आग की सूचना पाकर पुलिस पहुंच गई। मैनेजर ने बताया कि आग से कार्यालय के सारे अभिलेख जल गए, लेकिन ऑनलाइन डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है। लॉकर में जो नकदी थी वो भी सुरक्षित है। आग की चपेट में आकर कार्यालय में रखे 12 कंप्यूटर, फर्नीचर, पंखे और रिकॉर्ड जल गए। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी बताई जा रही है। वैसे साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रेंचाइजी मैनेजर अग्रवाल ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सारा के रीजनल मैनेजर को घटना की सूचना दे दी गई है। नुकसान का आंकलन करने के बाद पुलिस को लिखित सूचना भी दी गई है। अब आप निवेशकों का इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या यह एक साजिश के तहत हुआ है या फिर एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में सारा इंडिया परिवार से जुड़ी एक जानकारी। मिलते हैं जल्दी एक और नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।